हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैं होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होगी। सो जहाँ तक मैं अपनी ऑडियंस को जानता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने एफआईसी कल देखा ही होगा, और अगर आपने देखा होगा तो आपको पहाड़ी का वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट तो याद ही होगा, TSM के साथ फाइट वाला। बट उसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अब बढ़ते हैं एनालिसिस के ऊपर। सो ये मैच है अपने प्लेन्स का मैच नंबर 4 जो बर्मुडा मैप में खेला गया था। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैच के 15 मिनट में हमारी दो फाइट चल रही हैं, जो कि हमारी FTA वर्सेस KK, यानी कि हमारी टीम के ऑस, और हमारी TSM वर्सेस एरो ई स्पोर्ट्स। और अहमद रॉन जो है वो स्पाइडर को नॉक कर देते हैं और टीम के ऑस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, और अपने जो AB डिवाइन है वो बहुत सारे किल्स निकाल लेते हैं। और यहीं पर हमारी जो है बैकग्राउंड में जो एरो ई स्पोर्ट्स की फाइट चल रही थी उसमें भी हमारी एरो स्पोर्ट एलिमिनेट हो जाती है, और यहीं पे जो है हमारे ओल्ड मॉन्क वो एक और फाइट ले रहे होते हैं, और स्काईलाइज गेमिंग जो है वो उन्होंने आने का ट्राई कर रही होती है, बट TSM सारी की सारी टीमों को गेट कीप कर रही होती है, जिसके कारण हमारी स्काईलाइज गेमिंग को आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। और अपने जो ओल्ड मॉन्क है वो स्काईलाइज गेमिंग के साथ फाइट ले रहे होते हैं, और नीचे से जो है वो टीम लीड भी ऊपर आने का ट्राई कर रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्काईलाइज गेमिंग हमारे ओल्ड मॉन्क के हाथों एलिमिनेट हो जाती है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो, हमारी ओल्ड मॉन्क जो है वो पीछे से रश लगा देते हैं हमारे स्काईलाइज गेमिंग पे, और हमारे नीचे से जो है वो इंद्रो हमारे एक लॉन्चर फेंकते हैं, और हमारे ओल्ड मॉन्क जो है वो किल निकाल लेते हैं, और यहीं पे हमारी स्काईलाइज गेमिंग एलिमिनेट हो जाती है। बट अब जो है हमारे अहमद रॉन अपनी स्नाइपर के यूज़ करके पहाड़ी को 150 का एक शॉट मार देते हैं, बट टीम एलीट अब हमारी जोन में आने के लिए उनके पास और कोई चांस नहीं था, तो उन्हें रश करना पड़ता है। RDP किल और आइकॉनिक एक साथ घुस के हमारे अहमद रॉन को नॉक कर देते हैं, और अहमद रॉन का किल जो है वो भी निकाल लिया जाता है। बट इतने में ही अपने जो मिस्टर JYT हैं वो आइकॉनिक को नॉक कर देते हैं, और तो और अब अपने पहाड़ी बचते हैं 1v3 सिचुएशन में। और इस टाइम पे पहाड़ी का बहुत ज़्यादा 1v3 सिचुएशन थी, पहाड़ी के 3 बंदे नॉकडाउन पड़े थे, पहाड़ी के पास शॉर्टेज नहीं थी, बट क्योंकि पहाड़ी स्नाइपर गॉड है तो उन्होंने TSM के लास्ट बंदे को ख़त्म करके अपने तीनों के तीनों बंदों को रिवाइव दिया। ये वाला मैच जो है वो अपनी टीम लीड को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और इस मैच में टीम लीड ने काफ़ी ज़्यादा किल्स निकाले थे। बट मेन बात आती है जब इस मैच के लास्ट में हमारे टीम लीड के सारे बंदे मर जाते हैं, और पहाड़ी फिर से इस बार 1v2 सिचुएशन में फंस जाते हैं। सो इस सिचुएशन में जो पहाड़ी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है क्वालिफाई करने के लिए, ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, बट ये मैच वो अनफॉर्चुनेटली बुआ नहीं निकाल पाता है। तो इस मैच में क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। पहाड़े को यहाँ पे क्लच निकालना था PVS योगी और PVS के इको के सामने, और PVS जिस तरीके के फॉर्म में थी इस दिन, उस समय क्लच निकालना लगभग इम्पॉसिबल था। बट जो है वो पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं, बट लास्ट में एक वन टैप खा जाते हैं इको के हाथों, और PVS जो है एक और मैच बुआ लेके चली जाती है। तो इसके बाद जो है आज अपने हेड्स प्ले का जब ब्लॉग आया था तो उसमें पहाड़ी ने इसी क्लच के बारे में कुछ कहा था, तो वो भी आप देख लीजिए। बाकी उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग। PVS में ले लेता क्लच, अगर मेरा पता है PVS में क्या हुआ, मैं मैडी मारने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अगर मेरे पास 3 सेकंड होते ना मैडी मारने के, तो मैं PVS भी लेता। वो इतने सारे बंदे थे भाई, कसम से इतने सारे बंदे थे ओपन में सारे, तो मैं मारू फिर हाथ कांप रहे थे, पहली बार कांप रहे हाथ भाई, और मेरे सारे भी है।